राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि जो बहुत ज़्यादा काम करने वाला जो स्टाफ है, ठीक है, उसकी जो भर्ती आप लोगों को भी पता भाई आई हुई है 11,409 पदों के ऊपर है। एमटीएस के सहायक और अव्वलदार दोनों के मिला के है ये भर्ती है। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँ भाई एमटीएस का काम क्या होता है, जो एमटीएस के जो कर्मचारी होते हैं इनका काम क्या होता है, क्या काम इनको करना होता है, ठीक है। 2023 के अंदर आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, जो 2023 का भी जो एग्जाम होगा इसके अंदर आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, आपको पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं, पैटर्न और जो आपका सिलेबस बदल गया वो कैसा सिस्टम है, सैलरी कितनी मिलती है एमटीएस को, सारा का सारा सिस्टम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। ध्यान से देख लेना ताकि आप लोगों को पता लग जाए आप लोग जो काम करने जा रहे हो यानी कि आप लोग जिस चीज़ का फॉर्म भरने जाने लग रहे हो उसका काम क्या है, क्या कुछ मामला है। सबसे पहले तो भाई जो एमटीएस इसका काम क्या होता है ये बता देता हूँ। एमटीएस का काम होता है ऑफिस के अंदर फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, ठीक है भाई। जैसे मान लो भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ ऑफिस के अंदर कुर्सी के ऊपर, ठीक है, मैं ऐसे बोल दूँ अरे राजेश इधर आ, ये ले फाइल, जाओ उस सर को दे के आ, तो मतलब कि एक तरीके से जो चपरासी होता है ना ऑफिस के अंदर, मतलब कि जैसे आप लोगों ने बैंकों के अंदर देखा हो, अरे राजेश इधर आ, अरे रमेश इधर आ, जय फाइल उस सर को दे के आ, अरे रमेश देखो उस डेस्क पे फाइल रख के, जय इन फाइलों को वहाँ पर रख के, ये काम होता है एमटीएस का, यानी कि सहायक कर्मचारी जो फाइलों को यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ ये काम करता है। पता लग गया एमटीएस का काम क्या था, मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि उनसे अलग अलग काम करवाए जाते हैं। ये तो सिर्फ कागजामा है कि बनू कह दें भाई ये वाले काम है, बाकी काम उनसे चाय भी बनवाई जाएगी। अरे राजेश इधर आ, पत्ती डाल और चाय बना, सुनाई नहीं दिया, अरे राजेश मेज पे कपड़ा मार, इस तरीके के काम भी करवाए जाएंगे, ठीक है। अब कट ऑफ कितनी जाएगी ये देखो भाई, सारा का सारा सिस्टम, सैलरी कितनी मिलती है आप लोगों के पास, सिस्टम क्या, देखो सैलरी है आप लोगों की टोटल जो सरकार की तरफ से आती हुआ आती 32,103 रुपये, ठीक है। उसके अंदर से कुछ टैक्स वगैरह कटते हैं 2,744 रुपये का, नेट आपके खाते में 29,359 रुपये है, आपके नेट खाते में आते हैं 29,359 रुपये हैं आपके खाते में, नेट जो पेमेंट होती है, नेट जो आपकी तनख्वाह आती है महीने की वो आती है सैलरी, आगे बात समझ में। उसके बाद देखो कट ऑफ बताता हूँ, कट ऑफ कहाँ से कितने में कितनी जाएगी। अब की बार के आपके पास मैथ रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन आएंगे मैथ रीजनिंग के, और इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ टोटल 12 क्वेश्चन करने हैं, टोटल आपको कितने करने, 12 क्वेश्चन, यानी कि 20 और 20 40, इन 40 में से टोटल ही आप लोगों को 12 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 12 प्रिय, सिर्फ 12 क्वेश्चन करने हैं, 12 क्वेश्चन करते ही 12 क्वेश्चन 45 मिनट के अंदर, ये ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्वालिफाइंग यानी कि इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होंगे, यानी कि अगर आप लोग रीजनिंग के भी सिर्फ 12 क्वेश्चन करके आ जाते हो तो भी आप लोगों का ये एग्जाम यहाँ से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसके यहां पर 12 क्वेश्चन ठीक मिलेंगे उसी का सेकंड एग्जाम है चेक होगा, अगर किसी के यहां पर 12 क्वेश्चन ठीक ना मिले तो उसका ये जो दूसरे वाला पेपर, ये वाला चेक नहीं होगा, इंग्लिश और जीएस जिसके अंदर आएगी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन आपका मैथ रीजनिंग जिसके 20-20 क्वेश्चन आएंगे ये ओनली क्वालिफाइंग है, यानी कि ये समझो एक तरीके से मैथ के अंदर तो माथा मारने की जरूरत है ही नहीं रीजनिंग के कोई भी, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ये खासियत भी है कि ये जो वाला जो सेक्शन, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन आपका अलग है और ये सेक्शन आपका अलग है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों के पास ना तो नेगेटिव मार्किंग, ना इसके नंबर मेरिट में काउंट होंगे, सिर्फ ये तो क्वालिफाइंग है, इसके तो सिर्फ आपको 12 क्वेश्चन आने चाहिए, चाहे आप मैथ के 12 कर दो, चाहे आप रीजनिंग के कर दो, चाहे दोनों आगे मिक्स मिला के टोटल 12 करने हैं, कैसे ही करो, चाहे तुक्का मारो कुछ करो, टोटल 12 करने हैं, कर दोगे ये तो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मैथ के अंदर तो माथा मारने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब मत करना, रीजनिंग की थोड़े से मोटे कर लेना, रीजनिंग तो सारे जने कर लेते हैं, 12 क्वेश्चन निपटा देना। उसके बाद आते हैं इंग्लिश और जीएस जो कि सेकंड पोर्शन है, इसी के बेस के ऊपर है आपकी मेरिट बनेगी, इसी के बेस के ऊपर आपकी कट ऑफ बनेगी। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 25 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, यानी कि आपकी जो जिक्की होती है इसके लिए भी सेम आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, उसी दिन होगा ये पेपर भी, ये मत सोच लेना ये पेपर पहले ये होगा और फिर 2-3 दिन बाद ये हुआ है, उसी दिन उसी शिफ्ट, मतलब कि उसी के बाद, जैसे पहले आपको 45 मिनट का टाइम में ये निपटाने हैं, जैसे ये खत्म हो उसके बाद फिर आपका ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के अंदर आपके पास 25 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, यानी कि 25 दिया टोटल कितने हो गए, इंग्लिश आपकी 75 नंबर की इंग्लिश है, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का, टोटल कितने हो गए, 75 नंबर की इंग्लिश होगी। उसी तरीके से आपकी जीएस यानी कि जो जीके है इसके अंदर भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि टोटल हो गया आपकी 75 नंबर की। टोटल कितना हो गया, टोटल दोनों को मिला के हो गया आपका 150 नंबर का सारा सिस्टम हो गया, 150 के अंदर से आपकी कट ऑफ जाएगी, 150 के अंदर से आपकी मेरिट जाएगी। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है 1 नंबर की, यानी कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा,
वो यानी कि 1/4 ही है नेगेटिव मार्किंग। आगे बात समझ में। तो अब क्या है, अगर आप लोग जैसे कि जीएस के अंदर कभी भी 25 के 25 क्वेश्चन आप लोग करके आ ही नहीं सकते, जो एक बच्चा है जो मतलब कि ठीक सी तैयारी है जिसकी, वो नॉर्मली आपके 14 क्वेश्चन कर सकता है, अराउंड 14-15 क्वेश्चन आराम से जीएस की बात होने लग रही है, यानी कि आपकी जो जीके हैं। लेकिन अगर बच्चे ने थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करी, ऐसे सब कुछ रगड़ दिया, जमानू हथेलियाँ पर लिख के सब कुछ रगड़ रखा है, तो हम मान सकते हैं उसके क्वेश्चन अगर 18 तक जाते हैं, अगर वो जीएस के क्वेश्चन अगर 18 क्वेश्चन ठीक करके आ जाता है, तो उसके सिलेक्शन को साक्षात परमात्मा भी अगर नीचे आ जाए ना, एक जब इसका सिलेक्शन रुक जाए तो भी नहीं रुकेगा, ठीक है। इसी टाइप से आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर आप लोग पूरे 25 के 25 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, इंग्लिश के अंदर आप लोग 25 के 25 क्वेश्चन है ठीक कर सकते हो, 25 का आंकड़ा है आप लोग आराम से है ले सकते हो, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो यानी कि कुल मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसके कट ऑफ, देखो कट ऑफ क्या आएगी, जिसके अराउंड आपके 120 क्वेश्चन है, मतलब जिसके 150 के अंदर से आपके 150 के अंदर से अगर जिसके 120 नंबर आ जाते हैं, तो वो क्या है, वो बच्चा आपका सेफ जोन के अंदर है। कितने वाला, 120 वाला क्या है आपका, सेफ जोन के अंदर हो बच्चा। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, इसका तो कोई रोल है ही नहीं, इसका तो सिर्फ इतना रोल है 12 क्वेश्चन करो, इसका रोल खत्म। अगर इसके 12 क्वेश्चन ठीक नहीं हुए तो आपका ये वाला पेपर तो चेक भी नहीं होगा, ठीक है। इसके 12 क्वेश्चन करो, आप क्वालिफाई हो गए, फिर आप सेकंड वाले के अंदर, इस सेकंड वाले के अंदर से ही आपकी कट ऑफ बनेगी 150 के अंदर से। आप लोगों को कम से कम अगर आप लोग 120 नंबर लेके आते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। यानी कि अब क्या है, अब आपको फोकस किस पे करना है, इंग्लिश और जीएस पर। इंग्लिश को चार चार घंटे, तीन चार घंटे रगड़ दो इंग्लिश को, बिल्कुल घोट के पी जाओ, वोकैब ग्रामर सब कुछ, ठीक है। जीएस के अंदर सारी जीएस करंट अफेयर सब कुछ रगड़ के पी जाओ। अच्छा टाइम है अभी 2-3 महीनों में, जी लगा के मेहनत कर लो इंग्लिश और जीएस, इसके अंदर अगर अच्छे से मेहनत कर ली, टोटल आप लोगों को 120 ही स्कोर करना है, इससे ज़्यादा किसी का स्कोर नहीं हो पाएगा। इंग्लिश के अगर 25 के 25 क्वेश्चन भी ठीक कर देते हो तो भी जीके के मैक्सिमम मैं 17-18 मान के चलता हूँ, तो भी मैक्सिमम कही है, अगर जीके के हम लोग नॉर्मल 14 भी अगर लगा के चले तो भी इंग्लिश के थोड़े से कम कर लो, तो भी आपके 150 का ही आंकड़ा, मतलब 150 के अंदर से 120 का ही आंकड़ा छुपा हो गया आप लोग। तो यानी कि ये देखो एमटीएस के अंदर मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, 29,360 रुपये इसकी सैलरी है, ठीक है। और आप लोगों को कितना स्कोर करना है, क्या कुछ मामला है, सारा का सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। सैलरी कितनी है, कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी तनख्वाह मिलेगी, क्या काम होता है एमटीएस कर्मी का, ठीक है। पोस्ट कितनी है, 11,409 पोस्ट हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी, 150 में से जिसके 120 नंबर आ जाएंगे उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सैलरी कितनी, सब कुछ बता दिया भाई, ठीक है। यही था आज की वीडियो का टॉपिक। सभी को राम राम, धन्यवाद। तैयारी के अंदर जुट जाओ, रगड़ जाओ सब कुछ।